ट्रांसपोर्ट की, मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पूछना चाहता हूँ, या इनसे पहले भी जो कमिश्नर आए हैं, बड़ी ईमानदारी से वो रिटायर्ड हुए हैं, बड़ी ईमानदारी से वो ये लोग कहते हैं कि हमने बड़ी ईमानदारी से जॉब की, क्या जॉब की आपने ईमानदारी से, क्या किया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अगर 5 रुपये 10 रुपये मेटाडोर का रेंट है, फेयर है, उसको लिस्ट बना दी जाती है कि 2 किलोमीटर पर इतना, 3 किलोमीटर पर इतना, 4 किलोमीटर पर इतना, लेकिन प्राइवेट स्कूल माफिया की 50-50 बसें चलती हैं जिसमें 50-50, 40-40 बच्चे बैठते हैं, उनका कोई फेयर आज तक सेट नहीं किया गया। अगर फेयर सेट किया गया है तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला गया, क्यों पर किलोमीटर के हिसाब से उनका फेयर जो है वो सेट नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि करोड़ों अरबों रुपये का ये नेक्सस है, और करोड़ों अरबों रुपया जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को टैचियाँ मिलती हैं। अगर नहीं मिलती तो जब मेटाडोर का 10 रुपये का किराया, 10 रुपये का फेयर जो है वो सेट हो सकता है पर किलोमीटर के हिसाब से, तो ये जम्मू कश्मीर में अगर मैं कहूँ स्कूल्स मिनिमम कितना चार्ज करें ट्रांसपोर्टेशन फी के, 1500 से लेके 5000 रुपया कोई किलोमीटर नहीं, चाहे 2 किलोमीटर है चाहे 3 किलोमीटर है, आप 1500 से लेके 5000 रुपया पर बच्चे का कर रहे हैं और 40-40, 50-50 बसों में बच्चे बैठ हैं। अगर कोई भी स्कूल 5 रुपये भी ऊपर लेता है तो वो कसूरवार हुआ, लेकिन यहाँ पे तो डबल एनुअल चार्जेस और डबल फीसें ली जा रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन फी की बात भी आप करते कि ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज यहाँ पर, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगा, लेकिन JKFFC की जो मंथली और एनुअल फीस है उसको भी डबल लिया जा रहा है विदाउट अप्रूवल, और कुछ स्कूलों ने अप्रूवल ही नहीं लिए, हर साल बढ़ोतरी होती है, कुछ स्कूल मानते ही नहीं इनको, इनको मानते ही नहीं सर, वो हालत है इनकी। एक दूसरा, बुक्स के नाम पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि बुक्स जब NCERT की और स्टेट बोर्ड की बुक्स लगनी है, तीसरी बुक्स का कोई काम ही नहीं तो फिर कैसे लगाई जाती हैं? LKG की बुक्स लगा लीजिए, आप ट्रस्ट नहीं करोगे मैं स्कूल का नाम लूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, अच्छा क्या मुझे बोलने में डर नहीं लगता, लेकिन हज़ारों स्कूल जो हैं अपनी अपनी बुक्स की किट लगाकर और पर्टिकुलर शॉप पर सेल कर रहे हैं, कुछ स्कूल तो अपने स्कूल के अंदर सेल कर रहे हैं, मेरे पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के फेसबुक पर हज़ारों प्रूफ हैं। मैंने सुबह DC मैडम को मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज किया, मैम मैं आपको हज़ारों प्रूफ दे सकता हूँ, आप एक बार मुझसे प्रूफ, मुझे टाइम दीजिए मैं प्रूफ देता हूँ, लेकिन मैडम का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, हो सकता है अभी बिजी हो, कल आ जाए या शाम को आ जाए तो मैं इंतजार करूंगा। यानी आपने अपनी तरफ से तो भेज दिया, मैसेज कर दिया मैम, मैं आपको हज़ारों प्रूफ दे सकता हूँ, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, सीरियस हैं तो आप इस लूट को ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं हज़ारों प्रूफ देने को तैयार हूँ, मेरे पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के पेज पे चढ़ा हुआ है, कोई बुक्स का नाम अपने स्कूल का अब बुक्स पे नाम नहीं प्रिंट करवा सकता, लेकिन एडवर्टाइजमेंट बनाया जा रहा है बच्चों को। तो ट्रांसपोर्ट फीस की बात करूं, बुक्स के नाम पे लूटा, यूनिफॉर्म हर साल चेंज, यूनिफॉर्म पर्टिकुलर शॉप पे अपनी मनमाने दामों पे, बिल्कुल हल्की यूनिफॉर्म भी मनमाने दामों पे बिक रही है अपने मनमाने दामों पे। अब बात करूं, मैंने नौशहरा में गया, मैं ZDO ऑफिस ने, ZDO ने खुद बोल दिया कि भाई ये स्कूल नहीं मानता, ये स्कूल बुक्स भी सेल अंदर करता है, ये स्कूल जो है बच्चों को जबरन फेल कर रहा है और कह रहा है हमारे दूसरे स्कूल में जाओगे तो आपको पास का सर्टिफिकेट मिलेगा, ये ZDO ने कहा, तो सोचिए डायरेक्टर को और क्या प्रूफ चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो लगातार धांधली कर रहे हैं, और उन तथ्यों के साथ किस तरह से खिलवाड़ भी किया जा रहा है, क्योंकि सरकार कुछ कहती है, प्रशासन कुछ कहता है, आदेश कुछ आता है, और उसके बाद जो है किस तरह से कार्रवाई की जाती है, तमाम तथ्य लेकर अमित कपूर जी मेरे साथ हैं। अमित जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी किस तरह से बेवकूफ़ इस समय जम्मू कश्मीर की जनता को बनाया जा रहा है। देखिए, त्राही माम मचा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर में जो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो DC मैम की तरफ से, चाहे वो DC राजौरी की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ आईवाश किया जा रहा है, लोगों को चुप करवाने के लिए एक ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं ताकि लोग चुप हो जाएं, कंप्लेनें करें, प्रशासन हरकत में है, लेकिन प्रशासन जो है मैं कह रहा हूँ दबा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन की इस टाइम वो हालत हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन की कोई सुनता ही नहीं। LG साहब, सबसे पहले अपने प्रशासन को चेंज कीजिए, अगर आप ईमानदारी जम्मू कश्मीर से लेके जाना चाहते हैं, अपनी इमेज ईमानदारी वाली बनाना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में एजुकेशन माफिया को सबसे पहले ख़त्म कीजिए। वो कैसे, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि अमित कपूर झूठ बोलता है तो अमित कपूर को जेल में डालिए, क्योंकि अमित कपूर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई हुई है JKFFC, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो बोला हुआ है, मैं वही बात रख रहा हूँ कि किस तरह लूटा जा रहा है आम पेरेंट्स को, और किस तरह ओपनली लूटा जा रहा है, और कोई किसी की सुनवाई नहीं, कोई DC मैम ने ऑफिस में कंप्लेनें दी तो कंप्लेन जब की जा रही है, अगर एक कंप्लेन कोई पेरेंट्स किसी स्कूल की करता है तो दूसरा पेरेंट सेम उसकी स्कूल की करता है तो कहा जाता है इस स्कूल की तो हमें कंप्लेन ही नहीं आई,
यानी अनदेखा जाने की अनदेखा किया जा रहा है, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ सेटिंग करवाई जा रही है स्कूल वालों के साथ। लेकिन मसला असल में मसला क्या है आप मुझे बताइए कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल के जेके एफएफसी जो है एफएफआरसी वो फिक्स करती है फीस, जब हाँ फीस फिक्सेशन कमेटी जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, जब वो फीस फिक्स करती है उस फीस फिक्स होने के ऊपर अगर कोई भी स्कूल 5 रुपये भी ऊपर लेता है तो वो कसूरवार हुआ। लेकिन यहाँ पे तो डबल डबल एनुअल चार्जेस और डबल डबल फीसें ली जा रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन फी की बात भी आप करते कि ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज यहाँ पर, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगा लेकिन जेके एफएफसी की जो मंथली और एनुअल फीस है उसको भी डबल डबल लिया जा रहा है विदाउट अप्रूवल, और कुछ स्कूलों ने अप्रूवल ही नहीं लिए, हर साल बढ़ोतरी होती है, स्कूल मानते ही नहीं इनको, इनको मानते ही नहीं सर, वो हालत है इनकी। एक दूसरा बुक्स के नाम पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि बुक्स जब एनसीईआरटी की और स्टेट बोर्ड की बुक्स लगनी है तीसरी बुक्स का कोई काम ही नहीं तो फिर कैसे लगाई जाती हैं? एलकेजी की बुक्स लगा लीजिए, आप ट्रस्ट नहीं करोगे मैं स्कूल का नाम लूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, अच्छा क्या मुझे बोलने में डर नहीं लगता, लेकिन हज़ारों स्कूल जो हैं अपनी अपनी बुक्स की किट लगाकर और पर्टिकुलर शॉप पे सेल कर रहे हैं, कुछ स्कूल तो अपने स्कूल के अंदर सेल कर रहे हैं, मेरे पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के फेसबुक पे हज़ारों प्रूफ हैं और मेरे व्हाट्सएप में हज़ारों प्रूफ हैं, लेकिन कोई एलजी साहब ने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई डीसी मैडम ने ध्यान नहीं दिया। मैंने सुबह डीसी मैडम को मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज किया, मैं आपको हज़ारों प्रूफ दे सकता हूँ, आप एक बार मुझसे प्रूफ मुझे टाइम दीजिए मैं प्रूफ देता हूँ, लेकिन मैडम का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हो सकता है अभी बिजी हो, कल आ जाए या शाम को आ जाए तो मैं इंतजार करूंगा। यानी आपने अपनी तरफ से तो भेज दिया, मैसेज कर दिया मैम, मैं आपको हज़ारों प्रूफ दे सकता हूँ, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं सीरियस हैं तो आप इस लूट को ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं हज़ारों प्रूफ देने को तैयार हूँ, मेरे पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के पेज पे चढ़ा हुआ है, कोई बुक्स का नाम अपने स्कूल का अब बुक्स पे नाम नहीं प्रिंट करवा सकता लेकिन एडवर्टाइजमेंट बनाया जा रहा है बच्चों को। तो ट्रांसपोर्ट फीस की बात करूं, बुक्स के नाम पे लूटा, यूनिफॉर्म हर साल चेंज, यूनिफॉर्म पर्टिकुलर शॉप पे अपनी मनमाने दामों पे, बिल्कुल हल्की यूनिफॉर्म भी मनमाने दामों पे बिक रही है अपने मनमाने दामों पे। अब बात करता हूं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट की मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पूछना चाहता हूँ या इनसे पहले भी जो कमिश्नर आए हैं बड़ी ईमानदारी से, वो रिटायर्ड हुए हैं बड़ी ईमानदारी से, वो ये लोग कहते हैं कि हमने बड़ी ईमानदारी से जॉब की, क्या जॉब की आपने ईमानदारी से, क्या किया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अगर 5 रुपये 10 रुपये मेटाडोर का रेंट है फेयर है उसको लिस्ट बना दी जाती है कि 2 किलोमीटर पर इतना, 3 किलोमीटर पर इतना, 4 किलोमीटर पर इतना, लेकिन प्राइवेट स्कूल माफिया की 50-50 बसें चलती हैं जिसमें 50-50 40-40 बच्चे बैठते हैं, उनका कोई फेयर आज तक सेट नहीं किया गया, अगर फेयर सेट किया गया है तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला गया, क्यों पर किलोमीटर के हिसाब से उनका फेयर जो है वो सेट नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि करोड़ों रुपये का ये नेक्सस है और करोड़ों रुपया जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को टैचियाँ मिलती हैं, अगर नहीं मिलती तो जब मेटाडोर का 10 रुपये का किराया 10 रुपये फेयर जो है वो सेट हो सकता है पर किलोमीटर के हिसाब से, तो ये जम्मू कश्मीर में अगर मैं कहूँ स्कूल्स मिनिमम कितना चार्ज करें ट्रांसपोर्टेशन फी के? 1500 से लेके 5-5 हज़ार रुपया कोई किलोमीटर नहीं, चाहे 2 किलोमीटर है चाहे 3 किलोमीटर है, आप 1500 से लेके 5-5 हज़ार रुपया पर बच्चे का कर रहे हैं और 40-40 50-50 बसों में बच्चे बैठ हैं। हाँ, जो वैन वाले हैं वो वैन वाले बेचारे 7-8-10 बच्चे पर बिठाते हैं, उनकी मेहनत है, मैं वो भी बिल्कुल जायज़ किराया ले रहे हैं, वो 1500-1600 ले रहे हैं लेकिन उनका बनता भी है क्योंकि 10 बच्चे बैठते हैं तो उनका गाड़ी का किराया गाड़ी का सब कुछ निकालना मुश्किल होता है, तो वो उनके उनका जायज़ है, लेकिन बसें बड़ी बड़ी बसें जो लगाई हैं स्कूल वालों ने प्राइवेट स्कूल वालों ने माफियाओं ने 50-50 बसें रखी हैं उनका इतना फेयर कैसे बनता है 1500 से 5000 रुपया पर किलोमीटर उनका सेट क्यों नहीं आज तक किया जाता किया गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने? यहाँ से पता चलता है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है इन प्राइवेट स्कूल माफिया का साथ देता है, उनके साथ मिला हुआ है। अगर ये नहीं मिले हुए तो आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर आपको प्रूफ चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, मैंने नौशहरा में गया, मैं ZDO ऑफिस ने ZDO ने खुद बोल दिया कि भाई ये स्कूल नहीं मानता, ये स्कूल बुक्स भी सेल अंदर करता है, ये स्कूल जो है बच्चों को जबरन फेल कर रहा है और कह रहा है हमारे दूसरे स्कूल में जाओगे तो आपको पास का सर्टिफिकेट मिलेगा, ये ZDO ने कहा। तो सोचिए डायरेक्टर को और क्या प्रूफ चाहिए? सोची समझी साजिश है इसमें, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व है इसमें, एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें, कमिश्नर सेक्रेटरी इन्वॉल्व है इसमें, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इन्वॉल्व है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं है एलजी साहब तो 5 मिनट के लिए मेरे साथ मुलाकात कीजिए, मैं आपको इनके सारे हजारों प्रूफ दे सकता हूं। एक और बात है ना, अभी बैगलेस व्यवस्था की बात की जा रही है कि अब बैग जो है वो नहीं लिए जाएंगे बच्चों के द्वारा, और वेटेज की भी बात कर दी है कि इतने किलो का बैग। देखिए मैं इस पॉलिसी को वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन
जो लोगों ने जो एक्स्ट्रा बुक्स ली हैं वो कम से कम उनके पैसे तो वापस दिलाएं, उनकी बुक्स तो वापस करें। बाकी ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ इस पॉलिसी का वेलकम करते हैं हम, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा बोझ डालना गलत है। जितनी उनको बुक चाहिए उतनी ही लगनी चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल माफिया ने अपना बुक्स का नेक्सस चलाया है एक्स्ट्रा बुक्स लगाकर, वो बुक्स वापस करवाने का भी ब्यौरा सरकार को उठाना चाहिए। इस समय टीम्स गठित कर दी हैं कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो आप संपर्क कीजिए। कोई टीम नहीं गठित, हर साल टीम गठित की जाती है, कोई टीम गठित नहीं है, हर साल टीम गठित की जाती है, हर साल बेवकूफ बनाया जाता है, हर साल एक टास्क फोर्स नाम के पोस्ट दी जाती है। एलजी साहब, मैं रिटर्न में लिख के देता हूँ, अगर मैं गलत साबित हुआ मुझे जेल में डालिए, अगर मैं सही साबित हुआ तो ये प्राइवेट स्कूल माफिया के स्कूल बंद कीजिए। माइनिंग माफियाओं को आपने लाइसेंस दे दिए, लिकर माफियों को आपने लाइसेंस दे दिए, बिजनेसमैन बड़े बड़ों को आपने लाइसेंस दे दिए, और छोटे छोटे एजुकेशनिस्ट के जो स्कूल हैं वो बंद की तगार पे हैं। वो बेचारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो असल में शिक्षा देना चाहते हैं, वो बंद की तगार पे हैं। उनको इन्होंने इतने टैक्स, इतना सब कुछ कर दिया है, इतना मतलब कुछ कर दिया है, कोई हिसाब नहीं, उनको बंद की तगार पे है। और ये लोग जो बड़े बड़े माफिया बिजनेसमैन हैं, ये लूटे जा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर इस तरह से अभिभावकों को लूटने का काम जो है किया जा रहा है, और बहुत बड़ा नेक्सस इस समय चलाया जा रहा है। अमित कपूर जी हमारे साथ थे और आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से सवाल कर रहे हैं, और क्या प्रशासन इन सवालों का जवाब देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी भी हमारे साथ बने, देखते विश्व जो मुसलमान।